देखते हैं। तो बस ये देखो डायमंड। पैसा ही पैसा हो गया। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके सुके सुके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज मैं अपने वर्ल्ड में बनाने वाला हूँ इंचेंटिंग रूम, ताकि मैं अपने आर्मर वर्ल्ड टूल को इंचेंट कर पाऊँ और उनको पावरफुल बना पाऊँ। तो इंचेंटिंग रूम बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए होगा वो सामान इकट्ठा कर देते हैं। तो सबसे मेन चीज़ हमें बुक शेल्फ चाहिए होंगी, तो वो पहले वो बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चेस्ट में लेदर रखा था, तो ये रहा देखो 21 लेदर है। थोड़ी वुड भी लेते हैं ताकि उनसे प्लैंक बना के बुक शेल्फ बना पाए। तो इस चेस्ट में हमने पिछले वीडियो में शुगरकेन रखे थे, तो सारे शुगरकेन ले लेते हैं कि उनसे हम पेपर बना पाए और फिर उनसे बुक बना पाए। तो इस चेस्ट में भी थोड़ा सामान है, तो यहाँ पे स्टेयर और प्लैंक और वो बाकी सब सामान है, तो ये भी ले लेते हैं। ये सामान भी चाहिए होगा, तो अब सब सामान बनाते हैं। तो देखते हैं कितनी बुक शेल्फ बन रही है। सबसे पहले प्लैंक बना लेते हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं कितनी। तो हमें सबसे पहले उनको पेपर बनाना पड़ेगा, बुक शेल्फ तो बाद में बनेगी। तो ठीक है, सबसे पहले सबका सारे शुगरकेन का पेपर बना देते हैं। तो ठीक है, इतना सारा पेपर बन गया। अरे बन जा, ठीक है बन गया, क्लिक ही नहीं हो रहा था। और ये लास्ट वाला भी बन गया, तो अब बुक बना लेते हैं। तो 21 बुक बन रही है, तो ठीक है सारी बुक बन गई है। तो साथ ही बुक सेल्फ बन रहे हैं, तो हमें और चाहिए होंगी बुक सेल्फ, तो उसके लिए हमें लेदर लाना होगा। तो चलते अपने काउ फार्म पे और लेदर लेके आते हैं। तो ठीक है, ये रहे काउ फार्म। तो यहाँ पर देखो इतनी सारी काउ तो पहले से है, तो इनको मारते हैं जल्दी से और फिर लेते हैं लेदर और फिर बनाएंगे बुक सेल्फ। पता नहीं मैं अटक क्यों रहा बोलते बोलते आज। तो ठीक है गाइस, हमने ढेर सारी गायों को तो मार दिया है, तो इनको छोड़ देते हैं। तो कितना लेदर मिला हमको, टोटल 25 लेदर मिल गया है। तो और चाहिए होगा तो और लेने के लिए आ जाएंगे इधर। तो अब चलते हैं और जल्दी से बनाते हैं बुक शेल्फ। तो रुको, यहीं पे अपने पास एक क्राफ्टिंग टेबल है ना, तो इसी से यहीं पर बना लेते हैं। तो कहा गया बुक शेल्फ, मतलब पहले बुक बनानी पड़ेगी। और अब 8 बुक शेल्फ बन रहे हैं, तो कितने टोटल 15 हो गए। हमें एक और बुक शेल्फ चाहिए होगा और हमारे पास अभी एक ही बुक है, तो हमें दो और लेदर ला के बुक बनानी होंगी। तो इनको मारते हैं वापस। रुको, इनको अब नहीं मारना, हम विलेजर हॉल में चलते हैं और ट्रेडिंग ट्रेड करके लाते हैं बुक शेल्फ को एक। तो चलते हैं जल्दी से अंदर। तो ठीक है, रात होने का हो गया, अरे सो भी गए। तो चेस्ट के अंदर से एमरल्ड ले लेते हैं। तो टोटल 64 एमरल्ड ले लिए हैं मैंने। ये सब सो भी गए थे, उनको ढूंढते कहाँ गया वो ट्रेडर, मतलब विलेजर कहाँ गया जो बुक शेल्फ दे रहा था। हाँ, तो ये रहा बुक शेल्फ वाला ट्रेडर, मतलब विलेजर में ट्रेडर क्या बोल रहा हूँ कब का। तो ठीक है, इन 9 एमरल्ड में हमको एक बुक शेल्फ दे रहा है, तो मैंने ले ली। अब सारे पेपर को ट्रेड कर देते हैं। तो देखो वापस 64 एमरल्ड और ऊपर 2 एमरल्ड हो गए। तो ये सील टच वाली हमें, मतलब सील टच वाली हमें एन्चेंटिंग बुक दे रहा है, तो अब सो जाते हैं। तो ठीक है गाइस, मैं अभी यहाँ पे स्टोन लेना आया हूँ, जो मैंने यहाँ पे स्मेल्ट होने के लिए रखे थे, जो हमें स्टोन ब्रिक बनानी है। तो गाइस अभी मुझे याद आया कि हमें इंचेंटिंग टेबल भी चाहिए होगी, तो उसके लिए हमें डायमंड चाहिए होगा इंचेंटिंग टेबल के लिए, और ऑब्सीडियन भी चाहिए होगा। तो जल्दी से वो लेके आते हैं ऑब्सीडियन। तो ठीक है, पहले देख लेते कितने डायमंड है अपने पास। तो देखते, तो अभी हमारे पास एक ही डायमंड है, तो कोई ना, मैंने माइनिंग में ढूंढ के रखे, तो वो अभी माइन में ही डायमंड, तो वो लेने के लिए जाना होगा हमको। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडन लेने के लिए चलते हैं। तो पता नहीं, जो मैं पिछली बार नेदर पोर्टल के लिए ऑक्सीडन लेके आया था उनमें से बचे थे, तो अभी तो पता नहीं कहाँ गए। तो ठीक है गाइस, मैं अभी यहाँ पे आ गया हूँ नेदर पोर्टल के पास वापस, मतलब रुइन पोर्टल के पास। तो अब यहाँ से ले लेते हैं। तो पहले यहाँ पानी डालते हैं ताकि सब ऑक्सीडन बन जाए। ठीक है, हमें कितने टोटल 3 नीचे और एक बीच में चाहिए होगा ना, तो 4 चाहिए हमको। तो 4 ले लेते हैं यहाँ से। तो ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ माइन में डायमंड लेने के लिए। तो मैंने पहले से ढूंढ के रखे माइनिंग में डायमंड, बहुत सारे डायमंड ढूंढ के रखे भाई। तो जल्दी से चलते हैं अब नीचे, बहुत नीचे माइनिंग। तो गाइस ठीक है, माइनिंग वाले एरिया में आ गए। तो यहाँ पे देखो मैंने कितनी सारी माइनिंग की है यहाँ पे, और देखो यहाँ पे मैंने रेडस्टोन लगा के रखे ताकि हमें पता चले कि कहाँ पे अपने डायमंड हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने बहुत माइनिंग की है, मतलब बहुत देर तक माइनिंग की। ये देखो जहाँ तक अपना हाथ जा रहा था वहीं तक माइनिंग की है,
तो ठीक है, हम डायमंड के पास आ गए हैं, तो सारे डायमंड ले लेते हैं यहाँ पे। बाद में क्योंकि हमें एक डायमंड की पिकेक्स, देखो हमारी डायमंड की पिकेक्स की हेल्थ देखो कितनी कम है, इसको भी हमें रिपेयर करना होगा एनविल से, तो हमें डायमंड लगेगा उसे रिपेयर करने के लिए। तो चलिए चलते हैं बाहर और बनाते हैं एन्चेंटिंग टेबल। तो गाइस ठीक है, यहीं पे क्राफ्टिंग टेबल है तो यहीं पे बना देते हैं एन्चेंटिंग टेबल। तो कहाँ गई एन्चेंटिंग टेबल, तो ये रही। चलो तो एन्चेंटिंग टेबल बन गई है। तो गाइस ठीक है, अब यहाँ पे सब फालतू का सामान रख देते हैं। तो ठीक है, अब सब बाकी का सब सामान हमें काम का ही है। तो गाइस अब जल्दी से दूसरा जो सामान चाहिए वो बना लेते हैं। तो अब जल्दी से बाकी का सामान बना लेता हूँ, लाइन टेन, साइन बोर्ड, बैरल, ग्राइंडस्टोन और एनविल। तो ठीक है गाइस, हमने सारा सामान इकट्ठा कर दिया है, तो अब जल्दी से इंचेंटिंग रूम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं अपना इंचेंटिंग रूम। तो गाइस मैं आपको मिलता हूँ पूरा इंचेंटिंग रूम बनने के बाद, तो आप इंजॉय करो छोटा सा मॉन्टेज। तो गाइस ठीक है, हमारा इतना तो बन गया है, तो अभी हमें सिर्फ बुक शेल्फ और इंचेंटिंग टेबल लगानी है, तो वो भी लगा देते हैं। तो ठीक है, इंचेंटिंग टेबल तो लगा दिया है, तो अब यहाँ पर बुक शेल्फ भी लगा देते हैं। दो दो करके हमें यहाँ पर बुक शेल्फ लगानी है चारों ओर, तो लगा देते हैं। अरे पिछले वीडियो से गाइस सॉरी, वो पिछले वीडियो से बहुत बैकग्राउंड वॉइस बढ़ी है, और जब भी वीडियो बनाने के लिए बैठता हूँ कोई ना कोई बैकग्राउंड में इतना वॉइस करता है, पूछो मत। तो ठीक है गाइस, बुक शेल्फ भी हमने लगा दी है, और इनको एक बैरल बाकी है, बैरल लगा देते हैं यहाँ पे, और एक इस साइड लगाना है। तो ठीक है, ये लग गया, तो हम इन पर साइन बोर्ड लगाना है, तो साइन बोर्ड भी लगा देते हैं क्राउच करके। ठीक है, इस साइड लग गया, अब इस साइड भी लग गया। तो अभी हमें रुको यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे रुको क्या बनाना था, हाँ यहाँ पे अब ट्रैप डोर लगानी है। तो ट्रैप डोर कहाँ गए, तो ट्रैप डोर बनाने पड़ेंगे। तो वापस यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल रखते हैं और बनाते हैं, कहाँ गया ट्रैप डोर। तो पहले प्लैंक बनाने पड़ेंगी और फिर ट्रैप डोर। तो ठीक है, ट्रैप डोर बन गए, तो अब यहाँ पे लगाते हैं ट्रैप डोर। तो एक इस साइड लगाना है हमें कुछ इस तरीके से, और एक इस साइड, और बीच में हमें लगानी है क्राफ्टिंग टेबल। तो क्राफ्टिंग टेबल लेके लगा देते हैं वहीं पे। तो ये ठीक है, क्राफ्टिंग टेबल भी लग गई। तो अब यहाँ पे एक एनविल लगाना है, और दूसरी तरफ इसको क्या बोलते हैं, ग्राइंडस्टोन लगाना है। तो गाइस ठीक है, पूरा बनकर रेडी है। तो फिर को अपने डायमंड की पिकेक्स को पूरा रिपेयर कर देते हैं। तो ठीक है, 4 XP लग रही है। तो ठीक है, हमारा एक और डायमंड बच गया है और हमारी पूरी डायमंड की पिकेक्स। तो गाइस फाइनली अपना एन्चेंटिंग रूम बनकर रेडी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा बना है। तो ये देखो गाइस, ये अपना एन्चेंटिंग रूम। तो मैंने इसके आसपास स्लीव लगा दी है, और गाइस आपको इसके वीडियो देखनी हो कि कैसे बनाते हैं, तो मैं कमेंट बॉक्स में इसके क्रिएटर की वीडियो डाल दूंगा, तो वहाँ जाके आप देख लेना। तो अब चलते हैं घर पे। रुको, ट्रेडर वापस आ गया। ट्रेडर क्या लेके आया है इस बार, तो ये अच्छा लग रहा है। ये क्या है, स्मॉल ड्रिप लीफ है ना, तो चलो ये ले लेते हैं, ये काम आएंगी भाई। ये बैकग्राउंड में भाई गाड़ियों की इतनी वॉइस भाई, छोड़ो। तो कहाँ गए अपने एमरल्ड, तो एमरल्ड ले लेते हैं, और यहाँ से ले लेते हैं लैपिस लजूरी। ये लैपिस लजूरी भी काम आएगी, अपनी डायमंड की पिकेक्स को इंचेंट करना है ना। तो ठीक है, कहाँ गया ट्रेडर, कहाँ गया, हाँ वो रहा घर के पीछे ट्रेडर। तो इससे फटाफट ट्रेड करते हैं, हाँ हो जाए ट्रेडिंग करते हैं। तो एक एमरल्ड के बदले 2 लीफ दे रहा है, तो ले लेते, तो 10 मिल गई है। और एक एक ब्लॉक लेते, पता नहीं किसका ब्लॉक है, मैं नेम भूल गया इसका। तो अभी अंदर रखो, और ये लीड भी अंदर रखो,
ये भी कुछ काम की नहीं है अभी। तो ठीक है, अब चलते हैं अपने एंचेंटिंग रूम की तरफ और वहाँ पे जाके अपने डायमंड की पिकेक्स को एंचेंट करते हैं और देखते हैं हमें कौन सी एंचेंटमेंट मिलती है। मुझे तो फॉर्चून 3 चाहिए, तो देखते हैं फॉर्चून 3 मिलती है कि नहीं मिलती। तो ठीक है, अनब्रेकिंग मिलती है, तो इसके साथ मिल जाए तो ठीक है फॉर्चून 3। तो ओके भाई, फॉर्चून 3 हमें मिल गई है भाई, बहुत लकी भाई। तो गाइस ठीक है, हमने डायमंड की पिकेक्स को एंचेंट कर दिया है, तो हमें अनब्रेकिंग 3, फॉर्चून 3 और इफेंसिव 4 मिली है। तो मतलब अपनी पिकेक्स तो पूरी अच्छी हो गई, मतलब मस्त लेवल पे हो गई अपनी। जो जो हमें इंचेंटमेंट चाहिए थी वो इंचेंटमेंट मिली है। तो अभी चलते अपने माइनिंग पे, माइनिंग पे जाके डायमंड माइन करते हैं और देखते हैं कि हमें टोटल कितने डायमंड मिलते हैं फॉर्चून 3 से। तो जल्दी से चलते हैं माइनिंग पे। तो गाइस मैं अपने माइनिंग वाले एरिया पे आ गया हूँ, तो अब चलते हैं इस तरफ। तो देखो इस तरफ भी मुझे डायमंड मिले थे। तो गाइस देखो इस साइड में मैंने बहुत माइनिंग की है, देखो जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा था वहाँ तक पूरी मैंने माइनिंग की है। ऐसे माइन करने से अपने डायमंड मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, मैं अपने डायमंड के पास पहुँचने वाला हूँ। तो गाइस आपको नॉर्मली डायमंड माइनिंग पे कितने डायमंड मिले होंगे, 8 या 10, क्योंकि इनसे ज़्यादा डायमंड जनरेट भी नहीं होते, तो होते वो भी बहुत लकी होते हैं। तो गाइस यहीं पे मुझे बहुत इतने डायमंड मिले, तो उसको देख कर आपके कुछ रिएक्शन ऐसा होगा। हाँ गाइस आपका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने डायमंड मिले हैं मुझे यहाँ पे। तो चलो देखते हैं। तो गाइस ये देखो डायमंड पैसा ही पैसा हो गया। गाइस आपको यकीन नहीं हो रहा ना कितने सारे डायमंड है, पर गाइस ये फेक नहीं है, रियल में है। मैंने कुछ क्रिएटिव का यूज़ नहीं किया है। आपको यकीन ना हो तो मैं अपने कमेंट बॉक्स में अपने वर्ल्ड की शीट दे दूंगा, और आप में लेफ्ट में ऊपर आपको कोऑर्डिनेटर दिख रहे होंगे, तो आप जाके देख लेना और फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे रियल में इतने डायमंड है गाइस। मतलब ये वर्ल्ड अपने लिए बहुत लकी है गाइस। तो ऐसे आप यहाँ पे माइन करते हैं, तो मेरे पास 0 डायमंड है, तो कितने डायमंड है, 2। तो हमने अभी 1 डायमंड माइन किया, तो देखते हैं कितने डायमंड है, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। गाइस यहाँ पे 19 डायमंड थे, तो 19 डायमंड से हमें टोटल 43 डायमंड मिल गए गाइस। तो हमें एक ही जगह से पूरा पे अपना डायमंड आर्मर और टूल बन जाएंगे डायमंड के भाई, इतने सारे डायमंड मिल गए। तो यहाँ पे अब 2 डायमंड भी माइन करते हैं, तो 3 और मिल गए, तो ठीक है, और 1-4 मिल गए, तो मतलब रुको 1 यहाँ पे रह गया। तो मतलब हमें 2 डायमंड से कितने 43 थे, मतलब कितने मिले हमें, 7 या 8 डायमंड मिल गए गाइस यहाँ पे। तो अब चलते हैं दूसरी जगह पे। तो गाइस मज़ा आ गया भाई, यहाँ पर इतने सारे डायमंड है गाइस। मैं भी फर्स्ट टाइम देख कर भाई मैं भी पूरा हिल गया था भाई, कि इतने सारे डायमंड कैसे मिल सकते हैं। अरे रुको मैं इस साइड कहाँ पे जा रहा हूँ बात करते करते, अब मैं यहाँ पे तो 1 डायमंड भी नहीं मिला था दूसरे माइंड में, तो दूसरे माइंड में चलते हैं। तो गाइस मैं अपने कमेंट बॉक्स में दे दूंगा वर्ल्ड की सीट, जाके देख लेना, अपने कोऑर्डिनेट भी देख लिए होंगे साइड में। तो ये यहाँ पे भी 4 डायमंड है, तो इनको भी माइन कर देते, तो देखते कितने डायमंड मिलते हैं टोटल। तो ठीक है 58 डायमंड हो गए गाइस अभी हमारे पास। तो अभी और भाई अभी हमें और ज़रूरत नहीं है डायमंड की, और वैसे भी ख़त्म हो गए, और डायमंड नहीं है भी नहीं यहाँ पे। तो ठीक है यहाँ से तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही ले लिया था डायमंड, तो अभी तो नहीं है। तो अभी चलते हैं जल्दी से घर पे, और घर पे जाके अपने डायमंड का आर्मर और टूल बनाते हैं और फिर इनको इंजेंट करते हैं। तो ऐसे अभी जल्दी से चलते हैं, और उनको पहले ए भाई ए स्टोन यहाँ पे रखो, ये कुछ काम का नहीं है। तो घर पे चलते जल्दी से। तो बाहर आके तो देखा भाई रात हो गई, तो वापस सोना पड़ेगा हमको, तो सो जाते हैं और सुबह उठते मिलते गाइस मैं आपको। तो गाइस मैं अपने आयरन का आर्मर और आयरन के टूल घर पे रख के आ गया हूँ, क्योंकि अब हम बनाने वाले अपने लिए डायमंड के टूल और आर्मर। तो जल्दी से बनाते हैं, तो सबसे पहले टूल बना लेते हैं। तो ठीक है शॉर्ट बन गई, एक्स बन गई, और अब बनाते हैं सवर की पिकेक्स, तो हमारे पास पहले से, तो अब जल्दी से आर्मर भी बना लेते हैं। हेलमेट बन गया, चेस्ट प्लेट बन गई, लेगेज भी बन गई, और लास्ट में शूज। तो ठीक है गाइस अपना डायमंड का आर्मर बन के रेडी है, इसको पहन लेते हैं। और गाइस ठीक है गाइस अपन पूरा डायमंड में अब कवर हो गए हैं गाइस, देखो कितना मस्त लग रहा हूँ ना मैं। तो गाइस अभी इनको इंजेंट भी कर देते हैं, तो पहले डायमंड रख देते हैं, टोटल मतलब 29 डायमंड हो गए गाइस।
तो सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड को देखते हैं, शार्पनेस 4 मिल रहा है गाइस। सबको देखते क्या क्या मिल रहा है, इसको भी शार्पनेस मिल रही है और सवल कॉन ब्रेकिंग 3। तो अपने आर्मर को भी देख लेते हैं आर्मर में कौन सा मिलता है। तो उनको आर्मर को उतारते हैं और देखते हैं आर्मर में कौन सी इंजेंटमेंट मिल रही है। तो ठीक है, सबसे पहले चेस्ट प्लेट में देखते हैं प्रोटेक्शन 4 मिल रही है और इसमें हेलमेट में भी प्रोटेक्शन 4 ही है। तो गाइस अभी मैं सवल इसमें ही कर देता हूँ, स्वॉर्ड में कर देता हूँ कि इसमें शार्पनेस 4 मिल रही है, ये अच्छा होगा अपने लिए। स्वॉर्ड में और पिकेक्स दोनों कर दिए, तो ठीक है शार्पनेस 4 और नॉकपैक 2 मिल गई है। तो गाइस अभी 30 HP करके मिलता होगा इसमें आपको। तो गाइस ठीक है, मैंने 30 HP कर ली है, तो जल्दी से बाकी के आर्मर और टूल को भी मैं कर देता हूँ एंशेंट। तो मैं अपने साथ 3 मैंडिंग की बुक भी लेके आया हूँ ट्रेड करके, उसी से मुझे XP मिली है। तो गाइस ठीक है, अब जल्दी से कर देते हैं इनको एंशेंट। तो गाइस ठीक है, आर्मर और टूल को एंशेंट कर दिया है, तो मुझे हेलमेट में अनब्रेकिंग 1 मिली है और चेस्ट प्लेट प्रोटेक्शन 2 और बूट में फायर प्रोटेक्शन और लेगिस में प्रोटेक्शन 2। और गाइस मैं जो मैंडिंग की बुक लेके आया था, वो मैंडिंग की बुक मैंने टूल में यूज़ कर दी है, टूल में लगा दिए ताकि अपने टूल की HP कम हो, तो मैं उनको XP से मतलब वापस हील कर सकूँ। तो बस आज वीडियो यहीं तक रखते हैं, आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है गाइस, पूरी 16 मिनट की वीडियो बन गई है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और कमेंट बताना मत भूलना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और आप वो चेक भी कर लेना डायमंड, तो मैं अपने कमेंट बॉक्स में वर्ल्ड की सीड दे दूँगा। तो ये सब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।